birthday and many many happy returns of the day. Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद. Happy birthday wish करूंगी. जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम. आपको सभी को पता है कि बीते दिनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन रहा है, तो उसमें पाकिस्तानियों के रिएक्शन तो बनते हैं. तो पाकिस्तानी हमारे मोदी साहब के बारे में क्या विशेष दे रहे थे, किस हिसाब से उन्होंने बर्थडे बनाया है, तो आप देखिए और आप भी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. वीडियो स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. सर आपको पता है इस टाइम एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? आई गेस इंडिया. जारी बात है, इस वक्त जो वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो इंडिया है. आपको पता है कि आज किस इंसान की हैप्पी बर्थडे? मोदी. मोदी. पूरा नाम बताओ. मोदी सरकार. जी पता है. किसकी? नरेंद्र मोदी. विश करोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो कोई मंगाओ जी, ऐसे ही बुड्ढे होते रहोगे, केक शेक है तो कोई मंगाओ जी. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल. अच्छा, ये आज मोदी जी की सालगिरह है और हम मोदी जी को उनकी जो सालगिरह उन पे ढेरों खुशियों का इजहार करते हैं. बड़ा बड़ा उनको जन्मदिन मुबारक हो और हम उनके जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और उनके लिए एक गाना डेडिकेट करते हैं कि जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सब ने शोर मचाया है, कौन आया मोदी की सालगिरह आई है, आई है. प्लीज ये अच्छा है, ये अच्छा. यार उन्हें खुद की सालगिरह में खुशी नहीं हुई इतनी आपको हो रही है? यार ये उनके साथ प्यार है हमारा, वैसे प्यार तो नहीं है, वैसे ही प्यार है उनके साथ हमें. बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि वो भी हमारे हमसाया मुल्क है, वो चाहे वो हमसे प्यार करे ना करे, हम नफरत ना फैलाओ यार. हाँ यही बात है कि अगर आप हमें प्यार नहीं दे सकते तो कम अज कम नफरत की निगाह से बिना देखे हमें खुश रहे. आप अपनी मस्ती में आप अपने केक काटो और हम भी आपके केक काटेंगे, बस यही होगा. आपको पता कि एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? मेरे ख्याल से चाइना था, लेकिन अब शायद इंडिया जा रहा है. जी जी. तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंटिन्यूसली दो दफ़ा उसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी. उनकी आज सालगिरह, कोई बेस्ट विशेस, कोई विश करना चाहें? विश उनको हैप्पी बर्थडे. वाह मोदी जी, वाह वाह. और मुझे तो वैसे केक ला के इधर काटना चाहिए और सबको खिलाना चाहिए, क्योंकि खास खुशी है उनसे मिली है अभी तक. जाहिर सी बात है, वो देखे ना कि अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है, तो अच्छी बात है. और वैसे है तो वो पीछे से चाय भेजने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुल्क एक दफा अपना जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा कर दिया. हाँ जी, एक दफा ना उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया. तो उस मुल्क को तरक्की में पहुंचाने में एक अहम शख्स का किरदार अदा, एक शख्स ने अहम किरदार अदा किया अपना. उस शख्स की आज 72 साल गिरा है. उनके बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, लव यू मोर. आई लव यू मोदी जी. मुझे पता था, मैं विश करने लगा था, आपने पहले बोल दिया. किस तरह विश करेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू. ये दिल से किया? हां दिल से किया, दिल से. लव यू सो मच. अच्छा, आप मोदी का लव सुनते ही आपके ज़हन में क्या नाम, क्या चीज आती है? यार मैं यही कहूंगा, जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर के लेवल पे कोई क्रिकेट में नहीं आ सकता, ऐसे पॉलिटिकल में भी मोदी जी के लेवल पे कोई नहीं आ सकता. सही बात है. उसका ये काम अच्छा लगा कि सबसे गंदा था वो, मतलब कि ना उसका जो मुल्क था वहाँ पे बेहिजाई, कोई रूल्स नहीं थे, कोई उसने आके अपना रूल्स बनाए हैं, क्योंकि जो 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 मुल्क रूल्स पे नहीं ना चल सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता. आज वो बड़े ऊपर लेवल पे उन पर बिजनेस हो रहे हैं वहाँ पे अपनी उनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनी जो दूसरे मुल्कों में अपना मतलब प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, ये सब मोदी की वजह से ही है. तो मोदी जी के लिए मेरा दिल आपके लिए है, तो मेरा सब कुछ आपके लिए है, ये मैं आपके गिफ्ट दूंगा. मैं पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी अगर अपने हाथ पे देखूं तो बड़े मुसलमानों का, बड़े कश्मीरियों पर जुल्म किया मोदी ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा दुश्मन है. हम दुश्मन को भी हैप्पी बर्थडे कहते हैं. मोदी तुझे हैप्पी बर्थडे. यार मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे. रावड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले. जीना रहे. अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो मोदी है उसकी आवाम जो है वो मोदी से खुश है, कंटिन्यूसली दो बार प्राइम मिनिस्टर बन गए? मैं ना अगर सीरियस देखूँ ना, ऑन सीरियस नोट देखूँ तो 70+ जो है ना परसेंट जो इंडियन है, उसमें इंडियन जो इंडिया के अंदर रहते हैं और जो आउट ऑफ इंडियन है वो तो मेरे ख्याल में 100% खुश है मोदी से. उसने ऐसा काम किया है अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए.
मोदी के एक दाग है वो, जो उसने अहमदाबाद में मुसलमानों पे गुजरात पे जुल्म किया था वो दाग रहेगा सारी ज़िंदगी। लेकिन उसने अपनी कौम के लिए अगर देखा जाए ना तो हिंदुओं के लिए पूरे इंडिया के लिए उन्होंने जो काम किए हैं ना, मेरे ख्याल में अगली दफ़ा भी अगर देखा जाए ना ऑन सीरियस नोट देखा जाए तो गवर्नमेंट उसकी ही है, उसकी ही है। हाँ अच्छा, वो इतना स्टेबल है कि दुनिया में बाहर से भी लोग जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट भी करते हैं, और अगर मोदी की सालगिरह आई है तो लोगों ने विश भी किया बाहर के जो लोग हैं उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए बाहर के, उन्होंने विश किया, क्या वजह है, क्या वो इस काबिल है? देखो ना, वो एक मजबूत असाब का बंदा है और वो नीचे से उठ के ऊपर आया, मोदी सारे खुद भी ऊपर आया, नीचे से मुल्क भी ऊपर लाया। वो जब एक बंदा जिसकी जड़ों में होता है ना, जैसे पाकिस्तान में एग्जांपल दी जाती है, इमरान खान एक मिडिल क्लास तबके से आम लोगों में से उठ के ऊपर आया, कैप्टन बना टीम का, वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बाद पार्टी बनाई और आज वो कंट्री को लीड कर रहा है, सबसे ज्यादा लोग उसके साथ करे। सबसे पहले घबराना नहीं है। इसी तरह वो बेशक उसके साथ आरएसएस एक मजबूत जो इंडिया की जमात है, एक उनकी तंजीम है, वो उसका साथ है उसके साथ मोदी के साथ, लेकिन उसकी जो आइडियालॉजी है ना वो अपने मुल्क को एशियन टाइगर तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उनकी नज़र अब एशियन टाइगर पे नहीं है, उनकी नज़र आप जिस तरह गौतम अडानी की बात करें वो दूसरे नंबर पर दुनिया में बन गया है, दूसरे नंबर पर दुनिया में आ गया है, इंडियन दूसरे नंबर पर अमीर तरीन है, बन गए हैं आप लिस्ट में आ गए, लेकिन वो अंबानी टाटा है ही नहीं अभी बीच में, लेकिन वो अंबानी अभी भी टॉप 10 में है, 8वें नंबर पे है, लेकिन गौतम अडानी का दूसरे नंबर पे आना यही मेरे ख्याल में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ी जो है ना ये बर्थडे का तोहफा उसके लिए यही है कि दूसरे नंबर पे उनकी कंट्री का बंदा आ गया, ये अभी यही बर्थडे उसके लिए, यही गिफ्ट है उसके लिए गौतम अडानी का, दुनिया के दूसरे बिलियनर बनने का जो है ना ये उसका एक बेहतरीन तोहफा है, यानी कि सबसे बड़ा अगर उसको कोई तोहफा मिला है तो वो गौतम अडानी की तरफ से मिला। तो ये सोच थी पाकिस्तानियों की हमारे मोदी साहब के खिलाफ, यानी कि भाई साहब एक खुशी का माहौल है उसमें भी इन जो पाकिस्तानी है इनको जहर उगलना है, यानी कि वहां भी ये जहर उगलने लग रहे हैं कि मोदी साहब अब तो दुश्मन है ये है। अरे भाई साहब खुशी का माहौल होता है तब तो दुश्मन को भी गला लगा लिया जाता है, और मोदी साहब तो ठहरे पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता, और जो मोदी साहब का ये बर्थडे रहा यहाँ पर छोटे छोटे पाकिस्तान के बच्चे वो भी विश कर रहे हैं, और जो ये सांप है ये अपना जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो कि आप देखिए कि इनको पता नहीं है कुछ भी कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक बात इनके जुबान पर आती है कि कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान है जो उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। अरे तुम ये सुनते कहां से हो काफिरो, ये तो बताओ क्या बोले यार, तुम वो कुछ शब्द भी नहीं होते हमारे पास तो तुम्हें बोलने के लिए। यानी कि जो इंडिया है आज आपको पता है कि भाई सबसे लोकप्रिय नेता है जो पूरी विश्व का वो मोदी साहब है, तो पूरी विश्व के जो लोकप्रिय नेता है मोदी साहब उनको 51 से ज्यादा मुस्लिम देश है उनको पछाड़ कर बन गए हैं। तो यानी कि अगर मुसलमान से समस्या थी, मुसलमान परेशान है, तो वो मुसलमान भी आवाज वहां पर जरूर उठाए थे, और जो मुसलमान देशों की बात करें सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, जितने भी मुसलमान देश हैं वो भी मोदी साहब को चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान को। अभी जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से बनके